हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज, अ प्लेनो कनकेव लेंस इज प्लेस्ड ऑन अ पेपर ऑन व्हिच अ फ्लावर इज ड्रॉन. हाउ फार अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन डज द फ्लावर अपीयर टू बी. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक प्लेनो कनकेव लेंस है जिसके ऊपर हम क्या एक फ्लावर को ड्रॉ कर रहे हैं. तो हमें बोला जा रहा है कि हाउ फार जो उसका एक्चुअल पोजिशन होगा फ्लावर का, वो हमें दिखाई देगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन होगा. दो मीडियम प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, वो कितना हो गया हमारा थिकनेस के बराबर, डेट इज -20 सेंटीमीटर. और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, वो है हमारा 3/2, और म्यू टू है हमारा कितना 1. राइट, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना गिवन दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, वही +20 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू टू बाय वी बाय म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर. तो म्यू टू है हमारा 1/v माइनस म्यू वन है हमारा 3/2, और u है हमारा क्या -20 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, डेट इज 1 माइनस 3/2 बाय आर है हमारा 20. तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 3/-40 प्लस 2-3/20 हो जाएगा. नहीं, ये भी 2-3/40 हो जाएगा, 2 का नीचे इंटू हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू -3-1/40. तो जो हमारा v आ गया वो आ जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर. राइट, तो जो हमारा फ्लावर है वो 10 सेंटीमीटर अबव इट्स एक्चुअल पोजिशन हमें क्या होगा दिखाई देगा. फ्लावर विल अपियर 10 सेंटीमीटर अबव इट्स एक्चुअल पोजिशन. राइट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? इनमें से ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.